ये दो हमारे पास रेक्टेंगल हैं, दो एंटिटीज हैं, एक है प्रोफेसर की एंटिटी और एक है कोर्स की एंटिटी। दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? एक प्रोफेसर बहुत सारे कोर्सेस करवा सकता है, ठीक है, करवा सकता है ना। कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं होगा जो कोई भी कोर्स ना करवाए, एक तो करवा रहा होगा, तो ये मैंडेटरी में नहीं है। अच्छा, एक कोर्स को बहुत सारे प्रोफेसर करवा सकते हैं, दो भी करवा सकते हैं, तीन भी करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रोफेसर तो करवाएगा। ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो कोई भी प्रोफेसर ना करवाए। तो प्रोफेसर और कोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो मेनी टू मेनी का बनता है। अब इसमें समझ रहे हैं कि ये जो मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप होता है ना, इसको डेटाबेस पे मैप करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे देखें, एक मैं रिलेशनशिप आपको बताता हूं एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का। क्या है कि भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में काम करता है, तो क्या होगा, पहले हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल होगा और उसमें क्या क्या चीज़ होंगी, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें होंगी, और डिपार्टमेंट की आईडी होगी, ठीक है। या चलें अभी पहले डिपार्टमेंट आईडी नहीं रखते, हम समझाने के लिए हम करते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय वन है, इसका नाम ए है, ये एम्प्लॉय टू है, इसका नाम बी है, ये एम्प्लॉय थ्री है और इसका नाम सी है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो एक और टेबल है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की आईडी है और डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट नंबर वन है और ये डिपार्टमेंट है डी ए, इसी तरह ये डिपार्टमेंट टू है और इसका नाम है डी बी। अब ये दो डिपार्टमेंट है, डी ए और डी बी। अब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप देखें तो हमने कहा कि ये होगा वन टू मैनी, एक एम्प्लॉय बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करता है और एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करता है और एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय। तो अब इसमें ये चीज समझें कि ये रिलेशनशिप में मैप कैसे करूंगा फिजिकली डेटाबेस पे। तो डेटाबेस में दो टेबल बनेंगे, एक बनेगा एम्प्लॉय का और एक बनेगा डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय में सारे एम्प्लॉय की चीजें होंगी, डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट की चीजें होंगी। अब मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है? देखें, अगर मैं डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय आईडी रख दूं, जैसे मैंने यहां पर रख दी एम्प्लॉय आईडी, आईडी रख दी, तो प्रॉब्लम क्या होगी फिर? मिसाल के तौर पे अगर यहां पे तीन एम्प्लॉय काम करते हैं तो मुझे इस तरह तीनों की आईडी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर 40-50 एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो सबकी आईडी इस तरह लिखनी होगी। तो बेहतर ये है कि आप एम्प्लॉय के टेबल में क्या रखें, डिपार्टमेंट आईडी रख दें। उससे क्या होगा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं वन और फिर यहां पे लिखता हूं वन और यहां पे लिखता हूं टू, तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई वन का मतलब है यहां पर डी है, इधर भी वन का मतलब है डी है और इधर टू का मतलब क्या है, डीबी। तो ए जो है वो ए और बी डी ए में काम करते हैं और सी जो है वो डी बी में काम करता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये भी बात जहन में रखें कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट जो है दोनों में रिलेशन वन टू मैनी का है। ये मैनी किस साइड पर है? हाँ, एम्प्लॉय की साइड पर है। क्यों? हम कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करेगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तो ये मैनी जो है वो किस साइड पर है, एम्प्लॉय साइड पर। तो ये जो की होती है ना, ये वाली जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में फॉरेन की कहते हैं, ये मैनी वाली साइड पर होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चले एग्जाम्पल हो गई किसकी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बनाना है प्रोफेसर और कोर्स के दरमियान, ठीक है।
प्रोफेसर और कोर्स, तो प्रोफेसर और कोर्स जो है उसमें हम ये कह रहे थे कि भाई प्रोफेसर का टेबल होगा एक, तो प्रोफेसर के टेबल में आईडी होगी, उसका नाम होगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक टेबल होगा कोर्स का, कोर्स में क्या चीज़ होंगी, आईडी होगी कोर्स की, कोर्स का नाम होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रोफेसर आईडी रखी जाए या यहाँ पे कोर्स आईडी रखी जाए। देखें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोर्स में प्रोफेसर आईडी रखता हूँ तो एक कोर्स को तो एक से ज़्यादा प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे वो रिपीट करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रोफेसर में अगर कोर्स आईडी रख दूं तो भी मसला है, क्योंकि एक प्रोफेसर एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाता है। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है ना, तो वहाँ पे आप फिर फॉरेन की नहीं बना सकते। फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको एक तीसरा टेबल बनाना पड़ता है जिसको आप प्रोफेसर कोर्स कह सकते हैं। उसमें आप रखेंगे प्रोफेसर आईडी और कोर्स आईडी। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है ये वन है और प्रोफेसर का नाम ए है, फिर एक कोर्स टू प्रोफेसर टू का प्रोफेसर बी है, और इसी तरीके से हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें एक कोर्स वन है इसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक कोर्स टू है इसका नाम है वेब इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है वन वन तीसरे टेबल में, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो ऐसी पढ़ा रहा है, और अगर लिखा हुआ है जनाब वन टू तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो डब्ल्यू ई भी पढ़ा रहा है। समझ में आ रही बात। अब ये जो तीसरा टेबल बना है ना, ये एंटिटी नहीं है, मजबूरी में बनानी पड़ी हमें एंटिटी, तो इसीलिए इसको एसोसिएटिव एंटिटी कहा जाता है, जो कि मैनी टू मैनी को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यहां पर इन्होंने जो एंटिटी बनाई है इसको शेड्यूल का नाम दे दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है, सही है। तो ये इस एंटिटी को आप अगर आप देखें तो यहाँ सिंपल ये है कि इसके कॉर्नर्स को इन्होंने कर्व कर दिया। अच्छा, ये जो नोटेशंस है ना ये भी डिफरेंट होती हैं, और दो तीन नोटेशंस हैं, तो हम एक खास वाले नोटेशन यूज कर रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक और भी होती है एंटिटी की, तो अगर आप पढ़ें तो वो भी पढ़ सकते हैं, ये भी यूज होती है वो भी यूज होती है। तो ये नोटेशन है, ठीक है। ये कहाँ काम होता है एसोसिएटिव एंटिटी का, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर, सही है, ठीक है, ठीक है ना। चले यहां पर एक ब्रेक कर लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद जो है वो मजीद यहां से कंटिन्यू।